आज हम सब यहां पर कुमार कृष्ण चंद्र राय जी की स्मृति में आयोजित इस द्वितीय पुष्प उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र है। G20 के आयोजन का यह अवसर है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और भगवान जगन्नाथ की धरती है। इन सारी चीजों से मिलकर जो एक संयोग बनता है वह कैसा अनुभव देता है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम हम जिनकी स्मृति व्याख्यान में आज यहां एकत्र हैं, ये देखिए मुझे प्रारंभ में उनके विषय में बहुत नहीं पता था, परंतु धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझसे कहा कि ये मेरे गुरु रहे, तो आप सोचिए भारत के शिक्षा मंत्री का जो गुरु रहा हो उसका स्थान कितना उच्च स्तर का इस देश में है। और उनके जीवन में उन्होंने जिस समर्पण भाव से कार्य किया, अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो बहुत शानदार जीवन यापन कर सकते थे, बहुत अच्छा व्यवसाय और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु उसे न चुनकर उन्होंने एक कांटों से भरा मार्ग चुना राष्ट्र की सेवा को समर्पित करने के लिए। तो मानो मुझे वो हिंदी की प्रख्यात कवि महादेवी वर्मा जी की वह पंक्ति याद आती है कि वो कह रहे हों कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो उन्होंने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को राष्ट्र और समाज के हित में जिस प्रकार समर्पित किया, तो उनके स्मृति में हम सर्वप्रथम अपने अपने श्रद्धा अर्पित करते हैं। अब यदि आप आइए तो यह है देश का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव वर्ष में यह संयोग देखिए कि G20 जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता करने का अवसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में भारत को मिला है। G20 वह समूह है जिसमें देश की दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था 75% का GDP कंट्रीब्यूशन, दो तिहाई आबादी, आप समझ सकते हैं कि यह विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि यदि विश्व की 75% अर्थव्यवस्था वाले देश का नेतृत्व हम लोग करने की स्थिति में हैं, तो यही वो समय है जब भारत भी एक नया रूप धारण कर रहा है। हम स्वतंत्रता के ही अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी। और यह भी एक और अच्छा संयोग देखिए, जो इतिहास में हमको ये पढ़ाते रहे कि भारतीयों को शासन करना नहीं आता है इसलिए अंग्रेजों का शासन जरूरी है, आज संयोग से वहां शासन को लेकर इतना घमासान हुआ कि एक भारतीय उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें बता रहा है कि शासन कैसे किया जाता है।